खबर जयपुर जिले के फुलेरा थाने से है, जहां पर जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत फुलेरा थाना पुलिस ने क्षेत्र में नकली नोट बनाने वाली गैंग के एक सदस्य को थाना क्षेत्र के खतवाड़ी इलाके में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एडिशनल एसपी दूदू ज्ञान प्रकाश नवल व डीवाईएसपी सांबर लेक कीर्ति सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी रणजीत सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर खतवाड़ी के समीप एक पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल पर एक युवक के पास नकली नोट होने की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि आरोपी जगदीश प्रसाद जाट ग्रामीण इलाकों में नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी के पास 100-100 रुपए की 3 सीरीज के 2700 रुपए बरामद हुए। उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। कल शाम को हमें मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति खतवाड़ी की तरफ से सिनोदिया की तरफ नकली नोट चलाने की फिराक में मोटरसाइकिल पे जा रहा है, जिसकी मुखबिर सूचना पे मैं हमारे जाप्ता की सरकारी वाहन चालक के साथ में एसआर पेट्रोल पंप मेगा हाईवे नावा रोड पे रुको आकर दबिश देकर उसको पकड़ा। पकड़ के उसको चेक किया, चेक करने के बाद में उसकी तलाशी ली तो उसके पास में नकली नोट 2700 रुपये मिले। 100-100 के नकली नोट 2700 रुपये मिले, जो ये 3 सीरीज के थे, जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया।